हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, और हिंदू भाइयों को नमस्कार, और सिख भाइयों को सत श्री अकाल। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी कुश्ती लेकर आया हूँ। ये एक ऐसा पहलवान है जो बहुत ही अच्छी कुश्ती लड़ता है। इसका नाम है जावेद गनी। ये जावेद गनी जम्मू कश्मीर से आता है कुश्ती लड़ने के लिए, और इंडिया में ये कुश्ती लड़ता है। इंडिया के कोने कोने पर जाकर ये बहुत ही अच्छी कुश्ती लड़ता है, और इस जावेद गनी पहलवान ने बहुत बड़े बड़े पहलवानों को हराया है। आज मैं आपके बीच जावेद गनी की एक बहुत अच्छी कुश्ती लेकर आया हूँ आपके बीच। अगर आप मेरे चैनल और मेरी कुश्ती आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं आज आपके लिए जावेद गनी की कुश्ती लेकर आया हूँ। और ये जावेद गनी राजस्थान के पहलवानों से कैसे कुश्ती लड़ता है मैं आप सबको बताऊंगा अपनी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप मेरी चैनल पर बने रहिए, और मेरे चैनल का नाम बाबा लाड़ी ऑफिशियल है, इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत अच्छी कुश्ती आपके लिए बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, मैं कुश्ती की शुरुआत करता हूँ। ये बहुत ही अच्छी कुश्ती है जावेद गनी की, आप सब देख सकते हो। दोस्तों, ये जावेद गनी की कुश्ती है। इस कुश्ती में कैसे राजस्थान के पहलवान कैसे जावेद गनी को मार रहे हैं, आप सब देख सकते हो। अरे ये तो अठारह शर्मा के रोज है साहिर भाई, आ नहीं ये दोनों से। और इनका ये कहना है कि जावेद पहलवान की कुश्ती का हाथ आप दिलवा। दोस्तों, हमारे दंगल के अंदर दो किन्नर पधारे हुए हैं, यह आमंत्रित हुए हैं। हमारे प्रधान जी ने दंगल के अंदर दो किन्नर भी बुलाए हैं। ये किन्नर जावेद गनी और राजस्थान के पहलवान को आशीर्वाद देंगे, और इनके ऊपर इनाम भी घोषित करेंगे। तो आप देखते रहे। दोस्तों, किन्नर बहुत ही अच्छे होते हैं। ये जावेद गनी की कुश्ती पर इनाम रखने के लिए अखाड़े के अंदर पहुंच गए हैं। ये राजस्थान के पहलवान और जावेद गनी को आशीर्वाद देंगे, आप सब देख सकते हो। इनका कहना यह है कि ऊपर हम क्या लोगों को डर रहे हैं, जो जीतेगा उसके लिए बराबर कुछ कोई इनाम नहीं देंगे। बहुत बढ़िया, तो आप कुश्ती पर बने रहे। बहुत ही अच्छी, बहुत ही लेटेस्ट कुश्ती होने वाली है। इन किन्नरों ने जावेद गनी पर बहुत बड़ा इनाम रखा है दोस्तों। अगर ये कुश्ती जावेद गनी जीतता है या दूसरा पहलवान जो राजस्थान का है वो पहलवान जीतता है, तो ये जीतने वाले पर इनाम रखा है। जाना तो शेरों की टक्कर देखने वालों, हाथ ना बना। ये बदल कटीला कद लंबा रंग सावला हवादार पहलवान हुकम सिंह पहलवान श्री गंगानगर राजस्थान। और इधर है बदल कटीला कद मजोल रंग गोरा हवादार पहलवान जावेद गनी पहलवान जम्मू कुश्ती का टैग 15 मिनट। चलिए तालियां 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 तालियों से हाथ किया जाए। आप बहुत समझ रहे हैं।
बहुत अच्छे दोस्तों, जावेद रनी और राजस्थान के पहलवान में बहुत बड़ा घमासान होने वाला है। ये देखिए कैसे जावेद रनी कितनी अच्छी कुश्ती लड़ता है दोस्तों आपके बीच, बहुत मजा आने वाला है इस कुश्ती के अंदर बहुत ज्यादा। बहुत अच्छे पहलवान गलत काम नहीं, धक्का मुक्का मत दो, प्यार दो, गलत है वही पहलवान यहाँ बहुत अच्छे दोस्तों। ये राजस्थान का पहलवान कैसे जावेद गनी को अखाड़े के नीचे फेंक दिया है यार, पहलवान और जावेद गनी फिर से ऊपर आ गया है। देखते रहिए आप कैसे जावेद गनी इस पहलवान को मारता है दोस्तों। ये जावेद गनी पहलवान है, ये ऐसा छोटा मोटा पहलवान नहीं है। हुकुम पहलवान जी आप बहादुर हैं, बहादुरों की तरह काम कर रहे हैं। हुकुम पहलवान जी कैसे जावेद गनी पहलवान को ये बाहर अखाड़े के बाहर ले गया और बाहर अखाड़े के बाहर जाकर उन्हें कैसे पिटाई कर दी जावेद गनी पहलवान। जावेद गनी पहलवान अखाड़े के अंदर पहुंच गया है दोस्तों, आप देखना जावेद गनी को। पब्लिक वाले पीछे ना भाई, छोड़ो पीछे वाले, सब पीछे ना। कैसे इसने जावेद गनी को नीचे लगा दिया है, ऐसा लग रहा है कि जावेद गनी को हरा कर ही दबाएगा। राजस्थान का पहलवान बहुत ही खतरनाक पहलवान है दोस्तों, वो जावेद गनी को नीचे ले गया। आप पहलवान कुश्ती में कड़ो है जो अपनी तरफ को धक्का दोगे तो पहलवान नीचे जाएगा। और कुश्ती को पूरा एंड तक देखते हैं दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है कुश्ती के अंदर। तो ये पहलवान हुकुम सिंह के धकेला हो गया, जब आप इस तरह का विरोध करो तो सारे लेडी ताकत में चले जाएगा। मैं अंदर अब कर जीत से बाहर से कोई आवाज नहीं देगा भाई, बाहर से आवाज मत दो। पब्लिक पब्लिक वालों को यहां नहीं जाते बोलने का भाई, दंगल देख रहे हो, दंगल तारा वापस से देखो। दो पहलवानों की कुश्ती है, दोनों ही पहलवान हमारे मेहमान है भाई। काम ये पहलवान राजस्थान का पहलवान भूकंप सिंह पहलवान बहुत ही खतरनाक तरीके से कुश्ती लड़ता है जावेद गनी के साथ। आप सब देख सकते हो ये जावेद गनी को चिप करने की कोशिश कर रहा है इस कुश्ती के अंदर, इसने कैसे जावेद गनी को पकड़ रखा है और चित करने की कोशिश में लगा हुआ है जावेद गनी को। मगर दोस्तों ये जावेद गनी है, ऐसे ऐसे थोड़ा ही चित हो जाएगा ये। अरे यार पहलवान नहीं गलत है, पहलवान गलत
बदतमीजी है भाई। कैसे इस राजस्थान के पहलवान ने जावेद गनी को चित करने की कोशिश करता हुआ। दोस्तों ये राजस्थान का पहलवान बहुत अच्छी कुश्ती लड़ता हुआ जावेद गनी से, मगर जावेद देखने वाली बात है कि इस कुश्ती में कौन जीतता है, जावेद गनी जीतता है या भूकंप सिंह पहलवान, कौन इस कुश्ती में विजयी होता है, भूकंप सिंह पहलवान नीली जांग, जावेद गनी लाल जांग, दोनों बहुत ही अच्छे पहलवान हैं, बहुत ही दूर दूर से आए हुए पहलवान हैं। ये कुश्ती बरेली के अंदर हो रही है। अगर ऐसे वक्त में नहीं करेगा ना ध्यान रखना, हम कुश्ती नहीं करवाने के तेरी, ठीक है भाई? ऐसे कौन सी कुश्ती हो रही है यहाँ पर? हमारे चित्र करके पहलवान जी, हमें इस गद्दार का मना कराया, तुम्हारी चोट नहीं है, ये गद्दार में से लड़ में से लड़ यार। कैसे पहलवान बना रखे, मैंने वक्त भी देखे पानी भी नहीं दे रहा, ऐसे गद्दार किस बात को बोल रहा तू? दोस्त कैसे जावेद गनी को ये मार रहा है और जावेद गनी को गद्दार भी बोल रहा है जावेद गनी को, मगर जावेद गनी तो हमारे देश का ही, जम्मू कश्मीर का ही है, ये गद्दार कैसे हो सकता है? दोस्तों ये जावेद गनी है, जावेद गनी को कैसे मार रहा है? जावेद गनी तो हमारे हिंदुस्तान की शान है दोस्तों। ये मुसलमान की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती दोस्तों, जावेद गनी है जम्मू कश्मीर, जावेद गनी को ये मार रहा है, मगर जावेद गनी भी उसमें बहुत ही अच्छी होगा दोस्त। जावेद गनी का गाना चल चुका है, मगर आप जावेद गनी पहलवान को कैसे मारता है दोस्तों, आप देखना कैसे जावेद गनी ने इसके हाथ को पकड़ लिया है अपनी टांगों से, और इसकी चिकट से पकड़ रखा है टांगों से जावेद गनी ने। अब बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, इस कुश्ती के अंदर बहुत ही अच्छी कुश्ती है दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जीत गया दोस्तों जावेद गनी, बहुत अच्छी कुश्ती लगी है। कैसे जावेद गनी को पब्लिक ने सिर पर उठा लिया है दोस्तों, आप देख रहे हो कंधे पर उठा लिया जावेद गनी, जावेद गनी ने बहुत ही अच्छी कुश्ती लड़ी है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी कुश्ती लगी, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी ये कुश्ती जावेद गनी की कैसी लगी, क्योंकि जावेद गनी बहुत दूर से कुश्ती लड़ने के लिए आता है। दोस्तों जावेद गनी का घर जो है जम्मू कश्मीर में है, ये वहाँ से आता है कुश्ती लड़ने के लिए हमारे देश के अंदर,
और देश के कोने कोने पर जाता है कुश्ती लड़ने के लिए, और बड़े से बड़े पहलवानों को ये से कुश्ती लड़ता है। दोस्तों इसकी कुश्ती 50-50 हज़ार, 1-1 लाख तक रुपए की कुश्ती होती है हमारे देश के अंदर। ये कोई देश का ऐसा कोना नहीं है, कोई शहर नहीं है जहाँ पर जावेद गनी ने कुश्ती नहीं लड़ी हो। ये नेपाल भी जाता है कुश्ती लड़ने के लिए, नेपाल में भी इसने बहुत ही कुश्तियाँ लड़ी है और बड़े बड़े पहलवानों को चित किया है। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का बहुत ही अच्छा पहलवान है, ये जम्मू कश्मीर का नहीं, ये पूरे भारत का बहुत अच्छा पहलवान है। अगर आपको मेरी ये कुश्ती, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।